क्या मुसीबत है, सिर्फ 15,000 बचे हैं और अभी पूरा महीना बाकी है। बच्चों के स्कूल की फीस भी देनी है और मैडम का कर्जा भी तो लौटाना है। उन्होंने सिर्फ आज तक की मोहलत दी थी, क्या करूं? खुदाए मदद कर। जाता हूं मैडम से बात करता हूं, शायद कुछ बात बन जाए। आओ सजाद, बैठो। क्या हाल है? मैम हाल तो ठीक है, बस वो आपसे कुछ पैसे लिए थे, उसी सिलसिले में आपसे बात करने आया। हाँ हाँ सजाद, पैसों का अरेंज कर लिया? नहीं मैम, अरेंज नहीं कर पाया। इस महीने छोटे भाई की शादी थी जिसमें काफ़ी खर्चा हो गया और अभी सिर्फ 15,000 ही बचे हैं और अभी पूरा महीना बाकी। देखो सजाद, मैंने तुम पर मेहरबानी की और तुम्हें कर्ज दिया जिसकी मोहलत आज तक की थी, क्योंकि मुझे भी इस महीने पैसों की ज़रूरत है। मैम आई एम सॉरी, मैं शर्मिंदा हूँ। मुझे कुछ वक्त और दे दें, मैं यकीनन आपके सारे पैसे लौटा दूँगा। चलो बेहतर है, तुम इस महीने का टाइम और ले लो, मगर इस बार नो एक्सक्यूजेस। ओ, शुक्र है मैडम ने एक महीने का टाइम और दे दिया, वरना ये महीना गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता। अरे ये तो मुश्ताक है, इसने तो मेरे पैसे देने थे। अच्छा हुआ मिल गया। हाँ मुश्ताक, कहाँ जा रहे हो? सलाम साहब। साहब कुछ सामान लेके घर जा रहा था, शाम को कुछ मेहमान। ठीक है, मुझे फालतू बातें नहीं सुननी, मुझे मेरे पैसे चाहिए। साहब मैं दे दूंगा, मुझे कुछ वक्त दे दें ताकि। क्या 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 क्या, तुम्हें और वक्त चाहिए? देखो मेरा दिमाग ख़राब मत करो, इस बात को पहले ही 2 महीने गुजर चुके हैं और अब मुझे मेरे पैसे ना मिले तो सुबह तक मैं तुम्हारी बाइक ले जाऊंगा। सलाम मैडम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैडम आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो मुश्ताक। मैडम मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मैंने 2 माह पहले सजाद साहब से कुछ पैसे कर्ज लिए थे और मैं वक्त पर उन्हें वापस नहीं दे पाया, जिसकी वजह से वो आज बहुत गु़स्से में थे और बकौल उनके अगर मैंने कल तक उनके पैसे वापस ना किए तो वो मेरी मोटरसाइकिल जब्त कर लेंगे। उफ़ मेरे खुदाया, मैं सोच भी नहीं सकती कि सजाद इतना बेहस हो सकता है। तुम ऐसा करो, सुबह मेरे ऑफिस आ जाओ। ठीक है मैडम। बैठने की कोई जरूरत नहीं है, बेहिसी की इंतहा है। कल जब तुम मुझसे थोड़ी और मोहलत लेने आए तो मैंने तुम्हारी दरख्वास्त कबूल करके तुम पर तरस खाया। क्या तुम पर वाजिब ना था कि तुम्हें मुश्ताक पर थोड़ा रहम करते? I'm sorry, ma'am. Just shut up. तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुम्हारी कोई बात सुनी जाए। You know, I can fire you right now. नहीं मैम, I'm sorry, please, मुझे नौकरी से मत निकालें। प्लीज मैम, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज। ओके स्टॉप दिस नाउ। ये सॉरी तुम्हें मुश्ताक को करना चाहिए, और हाँ अगर दूसरों को माफ नहीं करोगे तो तुम्हें भी माफ नहीं किया जाएगा। अब तुम जल्द से जल्द मेरे सारे पैसे वापस करो, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। Now get lost. ये आपके लिए लेटर है।
मुश्ताक, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर दे, मैं तुम्हें तुम्हारा सारा कर्ज माफ करता हूँ। तेरा शुक्र है खुदाया। May I come in, ma'am? Yes. मैम ये आपके पैसे। एक्चुअली मुश्ताक ने मुझे बताया कि तुमने उसका सारा कर्ज माफ़ कर दिया है, सो मैंने भी ये फैसला किया कि मैं सारा कर्ज तुम्हें माफ़ कर दूँ। नहीं मैम, ये आपकी अमानत है, आप ले लें। इट्स ऑल राइट सजाद, मैं दिल से तुम्हें ये सारा कर्ज माफ़ करती हूँ। थैंक यू सो मच मैम, मैं पूरी ज़िंदगी आपका एहसान नहीं भूलूँगा। अच्छा वो फतेह वाले प्रोजेक्ट को क्या बता? यस मैम, वो अपने आखिरी मराहल में है। आई शेयर द डिटेल्स विद यू। और उसमें कोई भी अगर फाइनेंस की जरूरत है तो